अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर, आप देख रहे हैं यूबी टेक जो सुबह। और आज की वीडियो में मैं iOS 12.2 डेवलपर बीटा 2 के बारे में और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले ये एक रिव्यू है 12.2 बीटा 2 को, इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ये रिव्यू है कुछ डेज़ यूज़ करने के बाद। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी, मुझे ऐसा कोई लैग देखने को नहीं मिला, कोई इशू देखने को नहीं मिला, कोई बग देखने को नहीं मिला। हर तरह से डिवाइस काफ़ी अच्छा काम कर रही है और मुझे वर्जन यूज़ करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि iOS 12 के बाकी वर्जन से काफ़ी बेहतर है, इवन के 12.1.4 के फाइनल वर्जन से भी ये काफ़ी बेहतर है। तो ओवरऑल स्मूथनेस, परफॉर्मेंस, हर चीज़ बहुत ही कमाल की है। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की। बैटरी लाइफ हमें पता है इस तरह के शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस हुई थी, लेकिन इस वर्जन के अंदर हमें ऐसा कोई भी बैटरी लाइफ की प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, कोई भी सडन ड्रॉप्स नहीं देखने को मिल रहे। प्रॉपर तरीके से जितना आपको बैटरी लाइफ मिलना चाहिए था उतना बैटरी लाइफ मिल रहा है, और हर लिहाज से मैं कहूँगा ये वर्जन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है। तो ये था रिव्यू iOS 12.2 बीटा 2 के बारे में, इसको मैंने कुछ देर यूज़ किया है और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इसके ऊपर अपडेट करना चाहिए या नहीं। तो सिंपल आंसर ये है, हाँ बिल्कुल आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट किस तरह करना, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। और सिर्फ 2 मिनट की वीडियो, वो वीडियो देख लो, बहुत इजी तरीके आपको पता चलेगा किस तरह आपको अपडेट करना है। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात कर लेते हैं हम एप्पल के कुछ न्यूज़ के बारे में। तो WWDC 2019, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, वो होने वाली है 3 जून से 7 जून तक। ये चीज़ ऑफिशियली एप्पल ने खुद अनाउंस की है। तो हाँ, 3 जून से 7 जून तक ये जो है एप्पल का इवेंट होने वाला है। इस इवेंट के अंदर जो है एप्पल अपने सॉफ्टवेयर्स को अनाउंस करते हैं, जिसमें TV OS, Mac OS, Watch OS, iOS भी शामिल है। हर तरह के OS जो है वो जो एप्पल बनाता है वो शामिल है, और उनके नए वर्जन के जो है वो बीटा एप्पल यहाँ पे रिलीज़ भी करेगा। तो iOS 13 बीटा 1 की बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 जनवरी को ही iOS 13 डेवलपर बीटा 1 जो है वो रिलीज़ होगा, और जो डेवलपर्स बीटा यूज़र्स हैं वो उसको यूज़ कर सकेंगे, ट्राई कर सकेंगे। तो हाँ, कुछ अभी तक ये हमें डेट जो है वो पता चली है, इसके रिलेटेड मैं फर्दर भी वीडियोस आगे लेकर आऊँगा। फर्दर हमें ये बात कर लेते हैं कि कौन से iPhones के ऊपर जो है वो iOS 13 सपोर्ट होगा। अभी तक के जो लीक्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि iPhone 5s और iPhone 6 के ऊपर से सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, और iPhone 6s से जो है वो सपोर्ट जो है वो स्टार्ट होगा। तो आई थिंक ये काफ़ी जो है वो सेंस भी बनता है, क्योंकि iPhone 6 जो है वो ऑलरेडी काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसको सपोर्ट देने का उसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन देने का सेंस नहीं बनता ऑब्वियसली। तो आई थिंक iPhone 6s से जो है वो एप्पल स्टार्ट करेगा सपोर्ट को iOS 13 की, लेकिन देखते हैं फाइनल एप्पल क्या लेकर आता है। तो डेफिनेटली इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोज़ मिलेगी, तो ज़रूरी आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।